करते उनकी समस्याओं के लिए, जो समस्याएं उनके जीवन में कार्य करे भिन्न प्रकार के पिता, हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से निकाल फेंकते। पिता अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों पे चिंतन करते हैं। 2020 में तुमको आशीष देने जा रहा है, असंभव को संभव करने वाला जीव परमेश्वर आपके बीच में है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके सही पाहित हो जाए, इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठ नाम में साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में आपके घर परिवार के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, हर एक बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखिए और इसको अपने घर में, अपने जीवन में इसको रिसीव करें। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए, हम हमारे मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, मैं पियो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो आपके जीवन में समस्या है, उस समस्या के लिए आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। भारत देश के लिए प्रार्थना करें, देश दुनिया के लिए प्रार्थना करें कि भारत देश में और देश दुनिया में शांति बना रहे। हालेलुया, भारत के हर एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सांसदों के लिए आप प्रार्थना करने वाले हो जाएं, प्रभु आपके द्वारा उनके मन को बदलेगा। हालेलुया, और इस वीडियो को देखने के बाद सभी जगह भेजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हो जाए। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को शेयर करते हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष देता है। जब आप प्रार्थना को शेयर करते हैं तो आपके शेयर करने से दूसरे लोग वीडियो को देखते हैं और प्रभु उसके बदले आपको आशीष प्रदान करेगा, क्योंकि हमें वही एक कार्य दिया गया है, उसके वचन को, उसके नाम को दूसरे तक फैलाना। और कहीं ना कहीं आप इस प्रार्थना को शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप भी एक कार्य कर रहे हैं उसके नाम को फैलाने के लिए। हालेलुया, तो वीडियो को शेयर कीजिए, विश्वास के साथ देखिए, पर रूम में, अपने घर में चालू करके रखिए, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करेगी। जिन भाई बहन ने प्रभु कार्य उस प्रचार के लिए भेंट दान दशमांश भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप दान से भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में कोटेल मिल जाएगा, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार भेंट दान दशमांश भेज सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और इसको अपने रूम में, अपने घर में चालू करके रखिए। घर से निकलने से पहले इस प्रार्थना को सुनकर जाइए, प्रभु आपको इसमें दिन भर आशीष प्रदान करेगा। विश्वास के साथ देखिए इस प्रार्थना को। हालेलुया, 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 बारी बहुल बारी कर बारम जय हम धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेनाम की महिमा हो, तेनाम की महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सबको तू आशीष प्रदान किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। रात में सुनाई दिया, एक नया दिन दिखाया, जीतों के बीच उतने हम सबको जीत रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पिता इन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना को देख रहे, प्रार्थना भेजे हैं पिता, वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में आज दिन प्रकट होने पाए पिता। दिन भर कार्य मगवाई में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते इन सबको तू ब्लेसिंग दे, हर एक कार्य में तुमको सफलता प्रदान कर, जहां भी जाते हैं पिता इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, इन सब के जीवन में तू अद्भुत कार्य चमत्कार कर, वो जो पिता परमेश्वर जहां भी जाते हो कार्य में इनको सफलता दे दिया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हवारी बाहू लराबा रिक खराबा रक्तम जी। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह पिता नौकरी खोने जाएंगे पिता, वो जहां भी जाते हैं पिता परमेश्वर उन सबको तू ब्लेसिंग दे, जितने के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता उतना नहीं बल्कि उनका तो दुगना आशीष देने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत से भाई बहन सरकारी जॉब अप्लाई के एग्जाम दिए, हर एक को तू सफलता प्रदान कर पिता। वीजा पासपोर्ट जब समस्याएं आ रही है पिता, हर एक समस्याओं को दूर करके हम वीजा पासपोर्ट करते हैं, नाम से हम उनको ब्लेसिंग करते हैं, इन सब को आशीष चंगाई छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो पिता परमेश्वर वीडियो को शेयर कर तेरे नाम की महिमा को बांट रहे पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और जिस गांव, जिस शहर, जिस देश में रह कार्य करते हैं वहां सुरक्षाओं
से भरपूर हो नहीं पाए पिता, वो जगवंत नाम की महिमा उनके द्वारा प्रकट होने पाए पिता। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। उनके हाथ, उनके पैर, उनके शरीर में एक नया बल, एक नया सत्य, एक नया सामर्थ्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आ जाए प्रभु जी। यही प्रार्थना हम तुझसे करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनकी समस्याओं के लिए, जो समस्या उनके जीवन में कार्य करे भिन्न प्रकार के पिता, हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से निकाल फेंकते हैं। वो चाहे समस्याएं बड़ी हो चाहे छोटी हो पिता, वो तुझसे बड़ नहीं हो सकती। वो समस्याओं का समाधान दे दिया, एक नया रास्ता खोल दिया है पिता। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। पिता पुत्र पुत्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको आशीष करते हैं। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो जहाँ कहीं भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। परमेश्वर जो बीमार पड़े हैं उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए हर समस्याओं को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर चिंताओं में घिरे हुए हैं, बोझ से दबे हुए, अंधकार के तमाम चारों तरफ घिर के बैठी हुई है, उनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है पिता, शैतान उनके दिमाग पे कब्जा करके रखा है प्रभु जी। हम इनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो, अपनी चिंता, अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों पे चलिए, उस ज्ञाओं को पालन कीजिए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है तो आप निश्चित आशीष, चंगाई, छुटकारा को पाएंगे। हम जब विश्वास करते हैं तब आशीष को प्राप्त करते हैं मेरे पियो, इसीलिए हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। और जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करता है। हो सकता है आपके रास्ते बंद नजर आ रहे हो, लेकिन आप विश्वास कर प्रार्थना कीजिए, आपके विश्वास करने के कारण और अबंद रास्ते खुल चुके हैं। आपके जो जीवन में टेढ़े में रास्ते थे, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह सीधा करके आपके लिए नया मार्ग को बना दिया है पिता। इन सब की चिंताओं को दूर किया, बंद रास्ते को खोला, इसके लिए धन्यवाद। हबारी बाहू लराबा रिखराबा रक्तम चियम। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, जो पिता परमेश्वर बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हर जगह थक चुके, निराश चुके हो, थके माए तेरे पास आए हैं, और जो निराशों के साथ तेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं बल्कि आशीष को प्राप्त करके जाता है। मैं पियो, आपका विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते आना चाहिए। अपने अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हुए, घुटनों पर टेक कर आंसू कहलाते हुए, उसको पुकारते हुए हर रोज से प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह को मरे में चिल्लाया तो आप निश्चित आशीष, चंगाई, छुटकारा को पाएंगे। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से आप आशीष को प्राप्त कर चुके हैं। इन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, इन सब को तू आशीषों से भरपूर किया खुदावन, इसके लिए धन्यवाद। जो दवाई खाते हैं उस दवाई को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं। 2020 में तुमको आशीष देने जा रहा है। असंभव को संभव करने वाला जीवित परमेश्वर आपके बीच में है मेरे पियो। जिस परमेश्वर अंधे को आंखें देने को चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद पिता। जो भाई बहन तेरे कार्य तेरे प्रचार के लिए अपने भेंट भेजे हैं पिता, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीच को बोए हैं प्रभु जी, उन सबको तू आशीष प्रदान कर। और जितना भेजते हैं पिता उतना नहीं बल्कि उनको 100 गुना उनको तू आशीष देने चाह रहा है, इसके लिए धन्यवाद। जो पैसे बचते हैं पिता, उस पैसे मंत्र नाम से ब्लेसिंग करते हैं। मैंने सहायता कर, हर एक फालतू खर्च की बीमारी की आत्मा ईश्वर के नाम के जीवन से घर से दूर हो जाए। जो बीमार पड़े हैं, समस्याओं में घिरे हुए, हर बीमारियों की समस्याओं को हम उनके जीवन से हम दूर करते हैं। इन सबको आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, बुरी आत्माओं में फंसे हुए हैं। हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहिंदी की आत्मा, ईश्वर से के नाम में इनके जीवन से इनके घर से प्रार्थना को सुनते ही, चलते ही वहाँ से निकल के चली जाए। हबरी बाहू लराबा रिखराबा रक्तम छियम। हर एक दारू की आत्मा ईश्वर से के नाम में निकल जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चल, उस घर के चाबों तरफों बांधते चलो को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो जीवन वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता। इन सब को आशीष प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद पिता। परमेश्वर बहुत से भाई बहन निराशा है पिता, उनके अंदर शोक की, दुख की आत्मा कार्य कर रही है पिता। हाँ प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं वचनों के द्वारा, उनके हृदय पिता बहुत आए शांत की भरपूरी आ जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि जहाँ वचन है वहाँ छुटकारा है, जहाँ वचन है वहाँ अंत की भरपूरी है।
इन सबके जीवन में तेरा वचन पिता कार्यशील हो जाए पिता, वचनों के द्वारा तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, यही हम तुझसे प्रार्थना करते। इन सबको आशीष प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद। जो भाई बीमार पड़े कई महीनों कई सालों से, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो दवाई खा के थक चुके हो, थके माए तेरे पास आए हैं, और त्रिवचन कहता है थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु, इन सबको तेरे नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। मेरे पियो आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पटेक कर आंसुओं के सदगड़ाते हुए अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, दोबारा ना करने का उससे सदा कीजिए, उसके वचन पर चले, उस आज्ञाओं को पालन कीजिए। प्रभु आपको चंगाई देने चाह रहा है पिता, इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जहाँ कहीं भी हो, घर में चाहे बाहर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनके सही पाहित हो जाए, इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता। इन सबको हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते, इन सबको चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना घर में चपिता, उस घर के चाबों और बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। निभा कार्य में अगुवाई कार्य में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं सबको तू ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बना जब हॉस्पिटल जाएंगे चेकअप के लिए, हॉस्पिटल जाने से पहले हमारे शरीर से निकल जाए, हर एक रिपोर्ट तेरे नाम से नो माने पाए। प्रार्थना सुन, धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पौत्र आत्मा के सामर्थ्य नाम ईश्वर का नाम मांगते, सुन दया से ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन और आमीन, हालेलुया। मैं पियो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखे, और जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को देखे हैं प्रभु उनके जीवन में आशीष को भेजा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।